वेलकम फ्रेंड्स टू द निकॉन कैमरा डॉट कॉम चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि निकॉन का जेड एफ सी और फ्यूजी एक्सस 10 इन दो कैमरों के बीच में से आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं डिज़ाइन पार्ट की। डिज़ाइन पार्ट के हिसाब से बात करें तो ऑफकोर्स जेड एफ सी कैमरा जो है वो फ्यूजी के जो अपने एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स कैमरे उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन लेकर आया हुआ है हमारे सामने। यानी कि आपको जेड एफ सी में बहुत ही एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल्स मिलते हैं, बट हाँ यहाँ पर जेड एफ सी की ही बात करें तो आपको प्रॉपर हैंड ग्रिप मिसिंग है। अगर आप प्रोफेशनल शूटर हो, अगर आप काफ़ी देर तक अपना शूट वर्क जारी रखते हो, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हो, देन ऑफकोर्स यू डू नीड अ बेटर हैंड ग्रिप विथ योर कैमरा। एट द सेम टाइम अगर हम एक्सस 10 कैमरे की बात करें देन वी डू हैव सम मिनिमल कंट्रोल, बट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, जॉयस्टिक अवेलेबल है जो कि ऑफकोर्स जेड एफ सी में मिसिंग है, और रियर साइड की डिस्प्ले स्क्रीन काफ़ी प्रॉपर है, काफ़ी लार्ज है। नाउ अब हम बात करते हैं इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की। फ्यूजी एक्सस 10 अपना पॉपुलर 26 MP के BSI CMOS सेंसर यूज़ कर रहा है, एंड ऑफकोर्स जेड एफ सी जो है अपना ट्राइड एंड टेस्टेड Z50 की सेंसर यूज़ कर रहा है। सो मोर और लेस ऑफकोर्स Z50 में हमें थोड़ी लो लाइट एडवांटेज मिलनी है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको एक स्टॉप की लो लाइट एडवांटेज जेड एफ सी में दिखेगी, जो कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर एक और बात है कि अपने एक्सएस 10 कैमरे के अंदर हमें मिलता है IBS मैकेनिज्म, यानी कि सेंसर सेफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, और ये रेटेड है 5 स्टॉप्स अगर हम सीपा रेटिंग की बात करें। यानी कि आप लगभग 5 स्टॉप्स नहीं तो 3 to 2 stops स्लोअर सेटर स्पीड आराम से यूज कर सकते हो व्हेन यू आर फेसिंग लो लाइट सिचुएशन। तो ये बातें आपको समझनी है कि भाई आपको एक तो बहुत ही अच्छा हाई रेजोल्यूशन का सेंसर मिल रहा है, साथ ही साथ सेंसर सेफ्टी इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिला है। सो यू एक्चुअली डोंट नीड अ बेटर लो लाइट सेंसर इन दिस केस, क्योंकि आपकी जो सेंसर को है IBS मैकेनिज्म बैकअप दे देगा लो लाइट सिचुएशन में, और आपकी जो इमेजेस है क्रिस्प एंड क्लियर आने वाली इवन व्हेन यू आर यूजिंग लोअर शटर स्पीड। तो ये मैं फोटोग्राफर्स की परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ दैट यू डू नॉट नीड टू मूव टू Z50 और ZFC इफ़ यू लव टू हैव गुड लो लाइट इमेजेस, क्योंकि यहाँ एक्सस 10 जो है अपने IBS मैकेनिज्म के साथ उसी प्रॉपर रेंज तक पहुँच जाएगा इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट कंपेयरिंग टू इमेजेस एट सेम ISO बाय पुटिंग बोथ द कैमरा ऑन ट्राइपॉड, क्योंकि एक्सस 10 कैमरा ऑफकोर्स ट्रेपॉइड के रेगुलर यूसेज के लिए नहीं बना हुआ है, ये हैंड हेल्ड यूसेज के लिए बना है, क्योंकि इतनी प्रॉपर IBS मैकेनिज्म इसके अंदर है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप एक्सस 10 को भी अच्छी तरीके से लो लाइट सिचुएशन में बहुत ही प्रॉपर ढंग से यूज़ कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू मूव टूवर्ड्स ZFC और Z50 फॉर हैविंग गुड लो लाइट रिजल्ट्स, ओके, सिंस बोथ द कैमरा इवन द ZFC विच वी आर कंपेयरिंग राइट नाउ IBS मैकेनिज्म मिसिंग इन दोनों के अंदर। सो अब हम बात करते हैं ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म की। ऑफकोर्स ZFC के अंदर हमें लिमिटेड नंबर ऑफ ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूजी में हमें 425 हाइब्रिड एफ पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट मोर ओवर ZFC की ऑटो फोकस ट्रैकिंग मैकेनिज्म अप स्केल्ड करी है निकॉन ने। यहाँ हमें एनिमल IF ट्रैकिंग की भी सपोर्ट मिलती है। सो अगेन यहाँ कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर ले तो एक्सस 10 कैमरे में हमें फुल रेजोल्यूशन यानी 26 MP पे 20 FPS कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की सपोर्ट मिलती है, ZFC लिमिटेड है 11 FPS पे। तो यू कैन गो विथ योर ओन पर्सनल चॉइस, आप ZFC के साथ भी जा सकते हो, आप एक्सस 10 के साथ भी जा सकते हो इफ यू आर स्पोर्ट्स शूटर। सो फोटोग्राफी के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टिल फोटोग्राफी अगर आप करते हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी, वेडिंग और इवेंट शूट करते हो, तो ऑफकोर्स ZFC जो है 20 MP के सेंसर के साथ आया हुआ है, काफ़ी यूजबल सेंसर है। बट अगेन जब हम एक्सस 10 की बात करते हैं, वी हैव 26 MP BSI CMOS सेंसर पेयर्ड विथ IBS मैकेनिज्म, तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एक्सस 10 स्पेसिफिकली जब हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, इमेजेस ले रहे हैं, इवन इन लो लाइट कंडीशन द एक्सस 10 कैमरा इज बिट मोर हेल्पफुल टू अस। सो मूविंग ऑन टू द वीडियो पार्ट, ऑफकोर्स फ्यूजी एक्सस 10 की वीडियो पार्ट ज़्यादा अप स्केल्ड है, ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू ZFC। रीज़न नंबर एक कि आपको फुल HD में 20 FPS की सपोर्ट देता है एक्सस 10 कैमरा, जो कि आपको ZFC में अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो एक्सस 10 के अंदर 4K जब आप रिकॉर्ड करते हो तो DCI फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करते हो, और ZFC के अंदर अल्ट्रा HD फॉर्मेट पे आपको रिकॉर्डिंग की ऑप्शंस मिलती है। एंड अबव ऑल अगर आपको हायर लैटिट्यूड्स की फाइल चाहिए ग्रेडिंग के लिए, देन ऑफकोर्स एक्सस 10 इज मेड फॉर यू, क्योंकि आपको HDMI के थ्रू आपको 10-bit की फाइल्स मिल सकती है, जो कि ZFC में पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ हेडफोन पोर्ट का भी ऑप्शन है एक्सस 10 कैमरा में, यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशनल क्वालिटी की वीडियोस बना रहे हो, यू कैन अपनी ऑडियो लेवल्स को आप उसी वक्त मॉनिटर कर सकते हो जब अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू है। सो मोर और लेस एक्सस 10 काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ वीडियो सेक्शन में आया हुआ है। वी ऑल्सो हैव द एफलॉक सपोर्ट इन द एक्सस 10 कैमरा।
सो ऑफकोर्स एक्सेस 10 इज मोर रिकमेंडेड इवन फॉर ब्लॉगिंग पर्पस। अगर आप वीडियो ब्लॉग्स बनाते हो तो IBS mechanism आपको जरूर थोड़ी बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगी कंपेयर टू ZFC कैमरा विच डजेंट हैव एनी बिल्ट इन IBS mechanism। सो इवन फॉर प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स दोज यू नीड 10-bit आउटपुट और DCI-4K फुल HD एट 240 FPS एट द सेम टाइम। You also have a headphone option as I have mentioned और again vlogging के लिए IBS mechanism। So बहुत ही सारी चीज़ें आपके Axis 10 के अंदर available है। AF tracking के मामले में Fuji में आपको थोड़ी बहुत customization करनी पड़ेगी but both the camera is highly usable और Axis 10 की AF tracking में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको issues नहीं आ रही है if you have properly set the AF tracking and AF sensitivity before recording your videos। So these are my opinions about both the camera। Overall अगर हम usability की बात करें तो Axis 10 camera थोड़ा ज़्यादा usable लगता है compared to ZFC। अगेन चॉइस करने के पहले ये चीज़ें भी ध्यान में रखना कि फ्यूजी की लेंसेस थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो काफ़ी वाइजली आपको जो भी लेंसेस या जो भी फोटोग्राफी करनी वीडियोग्राफी करनी उसकी लेंस सिलेक्शन पर पहले ध्यान दे दो कि मुझे कौन कौन सी लेंस खरीदनी है। अगर इंटायर जो आपका सिस्टम है बजट में आपका कहीं ना कहीं फिट हो रहा है तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दैट यू शुड गो विद द फ्यूजी एक्सेस 10 कैमरा। बजट में कहीं ना कहीं आपकी लेंसेस नहीं आ पा रही हैं इफ़ यू आर थिंकिंग और कि इसकी लेंसेज काफ़ी कॉस्टली है देन ऑफकोर्स ZFC इज बिट मोर बजट फ्रेंडली। अगर आप FTZ अडेप्टर ले लेते हो तो निकॉन की जो ओल्डर जनरेशन की DSLR लेंसेस है काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें फिट हो जाएगी जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं। सो टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली विच कैमरा यू एक्चुअली वांट। आप अपने डिसीजन काफ़ी वाइजली लो अपने बजट के अनुसार जरूरतों के अनुसार आप अपना कैमरा चुनो। ओवरऑल जैसे मैंने कहा Axis 10 कैमरा एक ज़्यादा बेटर कैमरा कंपेयर टू ZFC। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइव यूजर।